माशाल्लाह ह्यूमिडिटी जो है वो भी हमारी बड़ी बेहतरीन है, 52 पे रुकी हुई है। इतनी हमें चाहिए थी 50 से अबव और 55 से कम, इसलिए वाटर को मैंने इसके साथ इंपोर्ट किया है ताकि ठीक से जो है ना वो ह्यूमिडिटी हमारी कंट्रोल हो सके। तो अभी हम एग्स को रोटेट कर देते हैं, इनकी जगह थोड़ी थोड़ी चेंज कर देते हैं। माशाल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से इनक्यूबेटर हमारा काम कर रहा है। अभी इसे कर देते हैं क्लोज। हीट हमने 40 पे इसलिए सेट किया, थोड़ा सा टेम्परेचर इनएक्यूरेट है ताकि वो दुरुस्त हो सके। तो अभी हम देख लेते हैं अपने डक्स के चिक्स को कि उनकी क्या हालत है। छोटू बिस्मिल्लाह, ये आ गया हमारा कल्लू। कल्लू 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 माशाल्लाह जो है ना वो बड़ा बेहतरीन एक्टिव चूजा है। कल्लू इसे मैंने उठा के साइड पे रखा है, तो कल्लू जो है ना उसे ये छोटू आवाजें दिए जा रहा है कि कल्लू किधर रह गया तू, कल्लू जल्दी से पहुंचो, बुला रहा है तुम्हें, कल्लू जल्दी जाओ, के जल्दी जाओ, बुला रहा है तुम्हें छोटू। हाँ छोटू, कल्लू आ रहा है, आ रहा आ रहा है। कल्लू 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 उधर ही कुछ खाने लग गया है। कल्लू की मोजन, ओए पत्थर ना खाओ, पत्थर ना खाओ, इसके काम देख हम पत्थर खाए जा रहे हैं। अरे चल 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 चल, तू बंद, तुझे मैं करता हूँ, पत्थर खाने के लिए नहीं निकाला था तुझे। इनका पानी ख़त्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं जो है वो वाटर ऐड करूँगा और साथ में जो है वो दवाई हम मिक्स करेंगे, मेडिसिन हम देंगे कल्लू को और छोटू को, ताकि ये रहें फिट तंदुरुस्त। खुराक अभी इनका पड़ी हुई है, खुराक हम अभी नहीं चेंज करेंगे, खुराक हम बाद में डालेंगे ताकि ये एक बार पहले वाली खुराक सारी फिनिश कर लें। तो अभी सबसे पहले हम पानी का बंदोबस्त कर लें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। हमारा छोटू और कल्लू बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल फिट तंदुरुस्त। अभी जो है वो हम कल्लू को पानी देंगे और साथ ही छोटू को भी मेडिसिन वाला ब्रूफन सिरप उसमें ऐड करेंगे ताकि इनको फ्लू वगैरह या छोटी मोटी जो बीमारी होती है बुखार टाइप वो इनको ना लग सके। जब वो बीमारी इनको नहीं लगेगी तो ये बड़ी जल्दी बड़े हो जाएंगे और सेहतमंद तंदुरुस्त रहेंगे। तो अभी हम मेडिसिन जो है वो पानी के अंदर ऐड कर देते हैं। ओहो ज़्यादा हो गई है, लेकिन ठीक है, फिट रहेंगे, आदत हो चुकी होगी इनको ये मेडिसिन लेने की। माशाल्लाह से ये दोनों चिक्स हमारी बड़ी तेज़ हो चुकी हैं, सारा दिन ये गार्डन में घूमती फिरती रहती हैं और घास को भी ख़राब नहीं करती, और उसके अलावा ज़्यादातर ये कमरे में ही रहती हैं और खुराक वगैरह खाने के लिए बाहर निकलती हैं और फिर दोबारा से अंदर आ जाती हैं। पता नहीं ये अब एग्स देना कब स्टार्ट करेंगी, मैं तो काफ़ी वेट कर रहा हूँ कि कब से इनके एग्स स्टार्ट होंगे और हम वो एग्स रखेंगे अपने इनक्यूबेटर के अंदर और छोटे छोटे जो हैं वो हम चूज़े निकलवाएँगे। चिंकू मिंकू, अच्छा ठीक है, इनका नाम हमने पहले नहीं रखा हुआ था, तो अब ये हमारी होगी चिंकू और वो वाइट वाली होगी मिंकू, बिल्कुल परफेक्ट हो गया चिंकू और मिंकू। अभी मैं जो निकालने जा रहा हूँ जगीरा को निकालते हैं बाहर और फिर आपको दिखाता हूँ कि जगीरा दिखने में कैसा लगता है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जगीरा को नहीं देखा हुआ।
मूसा साहब भी नीचे आए हैं चूजों को देखने के लिए कि ये चूजे करते क्या है। देखे कैसे देखता जा रहा है इन चूजों को। मूसा ये ब्लैक वाला जो है ना, इसका नाम है कल्लू। ये ब्लैक में जो नजर आ रहा है, और वो जो साथ है उसका नाम है छोटू। हमारा छोटू बिल्कुल हमारे मुंह से गिर रहा है, गोपलू गोपलू है। क्यों मामू मूसा, हम चूजे देखने आए नीचे, हम देखने आए नीचे चूजे डक्स के चिक्स को। दोस्तों ये है हमारा जगीरा, माशाल्लाह काफी कद काठ है इसका। इसको हम अंदर इसलिए रखते हैं कि ये हमारा घास कर देता है खराब। पहले भी इसने सारा घास खराब कर दिया, अब क्या हमें इसने मुर्गियों के साथ इसको किया हुआ अंदर पान। माशाल्लाह इसकी बैक से चेक करें, गर्दन चेक करें, इसकी खारें चेक करें, पूरा जो है ना पूरा जगीरा मछरा हुआ है। अभी मेरे हाथ में काबू नहीं आ रहा, इसका दिल था कि मैं भाग के कहीं निकल जाऊँ। मैंने सोचा चलो ठीक से इसे काबू करके आप दोस्तों को दिखा देता हूँ, चेक करते हैं। अभी इसने भागने की कोशिश कर ली, माशाल्लाह देखे कितना क्या कद काट है इसका। तो अभी हम जगीरा को बंद करते हैं, ऐसा ना हो ये हमसे भाग के कहीं और चला जाए। हम तो ले चलते हैं आपके कमरे के अंदर और वहां पे जाके करते हैं इसको बंद। कैमरा बेकार बंद। ये कर दिया बंद जगीरा को। यार ये तो अंदर बंद रह रहा है कि बड़ा खूंखार सा हुआ पड़ा है। इसका दिल होता है कि मैं बंदे को ले दे जाऊं, मार दूं बंदे को, बंदे को जो है वो मैं जख्मी कर दूं। इसीलिए मैंने जलते से उसको अंदर ही बंद कर दिया, इसीलिए ये अंदर ही ठीक रहेगा। इसको बाहर निकालेंगे जब हम इसका बड़ा केज बनवा लेंगे, तो केज के अंदर ही बंद रहेगा, तो हमें कोई मसला नहीं बनेगा, बच्चों को भी नहीं मारेगा। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी हमारे घर में बंदा आएगा ये उसके साथ लड़ने लग जाएगा, लड़ाई करने लग जाएगा। चलो ठीक है बंद ही रहे कुछ दिन, जब हम बना लेंगे अपना केज तो इसको ले आएंगे अंदर, केज के अंदर कर देंगे इसको, फिर कोई मसला नहीं, चूजों के साथ रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाएगा। वही जालिम जगीरा है जिसने पहले मेरे दो चूजों को मार दिया, बड़े बड़े चूजे थे जिनको इसने मार मार के जो है ना वो कत्ल कर दिया। तो जो जो हमारा जो वो परेशान बैठे हुए पूछते हैं उसको क्या मसला बन चुका है। जो 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 इधर ऊपर देखो यार, ये बादाम का पौधा रोज रह ही जाता है। चले कोई नहीं यार, एक दो दिन में इसको जो है ना वो ऊपर सफेदा आ चुका था, तो इसको एक दो दिन में यार कवर करते हैं, उधर लगाते हैं, यहाँ पे इसने बहुत तंग करना है हमें। दोस्तों टाइम काफ़ी हो चुका है, तो अभी चल के हम अपने इनक्यूबेटर में एग्स को जो है वो रोटेट कर देते हैं ताकि वो एग्स फिट रह सकें। परफेक्ट हो गया, अभी हम इसको कर देते हैं बंद। माशाल्लाह बहुत अच्छे से जा रहे हैं हमारी इनक्यूबेशन, तो उम्मीद करते हैं कि ये बेहतरीन से हो जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आप लोगों को दिखा दिया आखिरकार अपना जगीरा भी, जिसको देखना इतना आसान ना था लेकिन फिर भी हमने बाहर निकाला बड़ी मुश्किल से और उसे पकड़ के रखा। उसका दिल ऐसे था कि मैं इनके हाथों से भाग जाऊँ। तो मुझे इजाज़त दे अपने भाई को, जो चैनल पर नहीं आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे जगीरे मगीरे आप लोग देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।